थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप सब बताएं फटाफट, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। क्या होगा, कंटेक्स्ट में चलते हैं अपन सीधे आंसर एक्सप्लेनेशन में। मैं आपको बता दूं कि अपन क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे, राइट। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने को अच्छी चीजों को सीरीज और इवेंट के हिसाब से देखना है, राइट। आप लोग तो चैनल पे ही झगड़ने लग गए, अच्छे दोस्तों चैनल पे झगड़ा क्यों कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों इवेंट पे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहला आपके सामने क्वेश्चन रखा है मैंने आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपका पेट भर जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन है, टेंशन ना ले बिल्कुल भी आप, है ना। बट सिर्फ इतना बताएं आप कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है ना, उसको जरा सा ध्यान से सुने। हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं SSC CGL, है ना, CHSL, MTS, CPO और स्टेनोग्राफर ग्रुप C और D के लिए पढ़ी जाने वाली इंग्लिश, एम आई राइट। तो बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से इवेंट्स आपके सामने, बहुत सी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग जुड़े हैं सबको थैंक यू वेरी मच। तो ये अपन पढ़ेंगे दोस्तों और दिल से पढ़ेंगे, और मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ये मेरा नीलटेन कोड है, ये मेरा कोड है नीलटेन, एम आई राइट। सुनील नाम है मेरा, सुनील नाम से मैंने ये नीलटेन कोड जो है ये मुझे अलॉट हुआ है। इसको आप यूज करें तो मैं SSC के कुछ अपने ट्रिकी 72 रूल्स जो है, 72 रूल्स मल्टीप्लाइड बाई आपके ऑन एन एवरेज, अगर आप 20 क्वेश्चन भी अगर आप मानते हैं एक रूल से रिलेटेड, तो 1500 क्वेश्चन की जो ग्रामर का कंप्लीट पैकेज है, 1500 क्वेश्चंस का कंप्लीट पैकेज मैं आपको, है ना, 72 रूल्स में कंप्लीट करवा दूंगा। ये मेरी आपसे, है ना, ये मेरा आपसे वादा है। हम कोशिश करेंगे बहुत बेहतर तरीके से चीजों को हम आपके सामने रखें। आए आगे चलें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अ गर्ल विद ब्लू आईज हैज जस्ट गॉन द डोर। क्या आएगा, राइट, क्या आएगा इसमें, मैं आपको बताऊं इसमें क्या आएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, सबको नमस्ते। नाम बहुत ज्यादा, आप लोग बहुत ज्यादा लाइव पे, अभी 90 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं सबका तो नाम कैसे ले पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बट सभी को थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों क्या होता है, मैं इसको देखो डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। ये मकान की देहरी है, एम आई राइट, देहरी, एम आई राइट, और इस पे दरवाजा लगा हुआ है, एम आई राइट। दो दरवाजे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, और एक बंदी यहां से चल के आती है और दरवाजे से होती हुई वो क्या करती है, बंदी अंदर चली जाती है। इसका मतलब है वो चौखट के थ्रू, दोनों दरवाजे के थ्रू गई है। थ्रू है क्या इसमें, थ्रू है, बिल्कुल दिया हुआ है, थ्रू, थ्रू दिया हुआ है, थ्रू द डोर। सही जवाब आपका डी फॉर, क्या आएगा, सी नहीं आएगा, आई एम सॉरी। हेलो थैंक यू कमलेश, थैंक यू वेरी मच। बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, नहीं आएगा, प्लीज नहीं आएगा। देवाशीष थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। क्या आएगा इसमें, इसमें केवल और केवल डी आएगा। अब डायग्राम से समझा दिया, अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ बिल्कुल सही नहीं, थ्रू मतलब होता है किसी चीज के ऐसे अंदर से प्रवेश करना, तभी आप थ्रू लगा सकते हो, अदरवाइज आप थ्रू लगा नहीं सकते। तो दरवाजे के थ्रू तो एंट्री होगी ना, तो इसलिए थ्रू आएगा, राइट, ठीक है ना। यहां एक प्रीपोजिशन आ सकता है, मैं आपको बता सकता हूं, फ्रॉम आ सकता था, लेकिन फ्रॉम यहां दिया हुआ नहीं है तो क्या करेंगे, फ्रॉम दिया हुआ नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते। और इसीलिए जय हिंद केशव, थैंक यू वेरी मच, मैंग थैंक यू, पंकज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इस शेयर कर दीजिए इवेंट को प्लीज। इज जीनियस बॉर्डर्स, ये बताइए आप, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको पता नहीं है। सिनोनिम भी पढ़ाऊंगा, idioms भी पढ़ाऊंगा, एरर भी पढ़ाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक भी पढ़ाऊंगा, आज एक ही सेशन में, एक ही सेशन में, एम आई राइट। आपने सेशन पढ़ा होगा, हौसले का तीर निशाने पर रखो और जीतूंगा हारी बाजी, ये जिद जारी रखो, हौसले का तीर निशाने पर रखो और जीतूंगा हारी बाजी, ये जिद जारी रखो। इसका क्या होगा, इस जीनियस बॉर्डर्स, ल्यूनेसी, ये पागलपन, पागलपन, और ये जीनियस यानी कि बुद्धि, और बॉर्डर मतलब समाप्त होती है, समाप्त होना या सीमा पर पहुंच जाना, सीमा पर, अंतिम सीमा पर जाना, अंतिम सीमा पर, उसको इंग्लिश में बॉर्डर करना कहते हैं, ये वर्ब है, अंतिम सीमा पर। इसका मतलब है अगर अंतिम सीमा पर जा रही है उसकी बुद्धि, हिज जीनियस बॉर्डर्स ऑन,
इसका मतलब है पागलपन की हद तक, पागलपन की अंतिम सीमा, की अंतिम सीमा, राइट? और बॉर्डर ऑन, एक ये एक फ्रेजल वर्ब है, बॉर्डर ऑन, बॉर्डर ऑन, एम आई राइट? जिसका अर्थ है पर जाकर समाप्त होना। तो सही जवाब क्या हो गया, इस जीनियस बॉर्डर्स ऑन ऑन ल्यूनेसी, और ये पागलपन पर जाकर के टिक गई उसकी आखिरी सीमा, एम आई राइट? सारिका उमराव, हर्षित कुमार, यूपीएससी टारगेट, है ना, थैंक यू वेरी मच। पंकज, प्राची, कल्याणी, रघुबीर, प्रदीप, थैंक यू वेरी मच, जिनका नाम नहीं लिया फटाफट इंग्लिश, वो भी थैंक यू वेरी मच। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माई मदर इज एफ्लिक्टेड डैश पेन इन ज्वाइंट्स। जब भी आपके ज्वाइंट्स हो चाहे बदन का कोई हिस्सा हो, जब भी आपके यहां पर वो उसको पेन यानी कि दर्द नाम की कोई चीज दी हुई है, फटाफट, ओके थैंक यू, अब टू से ओवर मीनिंग निकल रहा है, हाँ बिल्कुल निकल रहा है, लेकिन सारी काम रहा वो लॉजिकल रेफरेंस होगा नहीं। अप टू का मतलब है केवल एक हद तक, जबकि ये पूरी हद तक चला गया है। एफ्लिक्टेड जब भी आएगा आगे दर्द होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, बुखार होगा, बदन दर्द होगा, एम आर आई, कोई ज्वाइंट्स होंगे, कोई बैक होगी, उसमें पेन होगी, कुछ टूथेक होगा, उसमें हमेशा आपको विद का प्रीपोजिशन का यूज करना है। सही जवाब है ए फॉर राइट अमेरिका। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल, थैंक यू वेरी मच। फिक्स प्रीपोजिशन है, बिल्कुल फटाफट इंग्लिश, सही कहा आपने, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ए बी सी डी, ए ए फॉर अहमदाबाद, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। इसका क्या हो गया, इसका हो गया ना सी फॉर चंडीगढ़, ये हो गया आपका ए फॉर अहमदाबाद। आगे चलेंगे, क्या क्वेश्चन आएगा, किसने कहा देर आर नो स्टूडेंट्स, कमलेश कौर, बच्चे आपको दिख रहे हैं 79 बच्चे लाइव है, 80 बच्चे लाइव हैं, तो स्टूडेंट तो है ही ना, क्या 70 स्टूडेंट नहीं होते हैं इस मुल्क में, जहां एक एमपी और एक एमएलए रुपए पैसे लेकर सरकार खरीद करके गिरा देता है, लोकतंत्र के चुनी हुई सरकार की हत्या कर देता है, एक एमपी एक एमएलए, वहां आपको 78 स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे, 78 स्टूडेंट्स तो पढ़ ही रहे हैं कमलेश, तो टेंशन क्यों ले रहे हो आप, है ना, देर आर स्टूडेंट्स, डोंट से मी गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके तो फिर ऐसे लिखो कि वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट हो तो ऐसे लिख दो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। चलो कोई नहीं, अनुपलब चैटर्जी, थैंक यू वेरी मच। व्हेन आई पार्टेड एज माय मदर देयर वर टीयर्स इन माय आईज, जब मैं मेरी मम्मी से मेरे आंखों में आंसू आ गए, इसका मतलब है 100% क्या हो रही है, बात आ रही है मेरी मम्मी से अलग होने की या मेरी मम्मी से जुदा होने की, एम आई राइट? तो आंखों में आंसू आ गए, याद रखना आप, जब आप अपनी चीज को, जब आप अपनी किसी चीज को, दौलत को, धन दौलत को, रुपए पैसे को, जब आप दूसरों को देते हो, तब तो पार्टेड विद आता है, पार्टेड विद, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से जुदा होते हैं अपने से, तो पार्टेड फ्रॉम आता है, अपनों से जुदा होने के लिए पार्टेड फ्रॉम आता है, और अपनी दौलत, अपना रुपया पैसा, अपनी बाइक, स्कूटी, मोबाइल फोन, चार्जर, ऐसी चीजें जब किसी को देनी होती है तो पार्टेड विद आता है, है ना, सामान देने, सामान को अपने से अलग करने के लिए पार्टेड विद आता है, और अपने अपनों से जिनके जुदाई से हमें आंसू आ जाए उनसे हम जब पार्टेड होते हैं तो उसके बाद फ्रॉम आता है, क्योंकि ये मेरी माँ है, माँ से जुदाई के वक्त मेरी आंखों में क्या थे, आंसू थे। दे आर नो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, दे डोंट स्टूडेंट्स से गुड मॉर्निंग मैम, लेट देम यार, लेट देम, व्हाई आर यू बॉदर्ड अबाउट दैट कमलेश कौर, हम लोग हर एक पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये यूट्यूब क्लास है, इसमें हर कोई हर किसी पे नियंत्रण नहीं कर सकता, आप तो अपना पढ़ो, है ना, आप तो अपनी पढ़ाई जारी रखो, क्यों दिमाग लगा रहे हो, ये समझ में आया तो थैंक यू बता दे, थैंक यू वेरी मच, ऑफ नहीं आ सकता, पार्टेड ऑफ नहीं आ सकता बेटा, बिल्कुल नहीं आ सकता पार्टेड ऑफ, राइट, पार्टेड ऑफ का तो मतलब होता अलग हो जाना, तुम सुनना चाहते हो पार्टेड ऑफ का बेटा, तुमने सवाल किया तो तुम सोचना तुम किस टीचर से, प्रतीक तुम किस टीचर से तुमने सवाल किया, वो टीचर तुम्हें कितना एक्सप्लेन करता है, प्रतीक वरुलकर जरा ध्यान से देखना, प्रतीक ने पूछा आप में से एक स्टूडेंट ने, प्रतीक ने पूछा कि सर पार्टेड ऑफ क्यों नहीं आ सकता,
पार्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, अपने ही, पार्टेड ऑफ का मतलब होता है टूटकर, बिखरकर अलग होना, टूटकर या बिखरकर, और ऑफ की वजह से क्या आ जाएगा, ऑफ की वजह से क्या आ जाएगा, ऑफ की वजह से आ जाएगा अलग होना, टूटकर बिखरकर अलग होना, एम आई राइट? तो अलग होना तो होगा नहीं, तो अलग होना नहीं होगा तो क्या होगा फिर? तो आपके अगर ऐसे होता कि रॉकेट से, रॉकेट, रॉकेट से उसका, रॉकेट से उसका फैन जो है वो पार्टेड ऑफ हो गया, इसका मतलब अब आएगा ये द ब्लेड, द ब्लेड ऑफ लाइक द प्रोपेलर इंजन ऑफ द रॉकेट वॉज पार्टेड ऑफ, राइट? तब आएगा ये पार्टेड ऑफ, तब उस सेंस में आएगा, अदरवाइज ये आएगा नहीं। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, प्रतीक बोलो थैंक यू अगर समझ में आ गया तो। ओके, ब्रेक, हाँ, टूटकर बिखरना या अलग होना, हाँ बिल्कुल, पार्टेड ऑफ में अपने बदन का हिस्सा भी अलग हो सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना? एग्जैक्टली, तो ये उस पैटर्न में आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो थैंक्स बोलना, विद योर हेल्प आई कुड टाइट डैश माई डिफिकल्टीज, क्या होगा इसका आंसर? थैंक यू फटाफट इंग्लिश, थैंक यू बबलू आमीन, कमलेश कैसे आंसर समझ में आया बता देना, सारी कम राव कोई दिक्कत हो तो बोलना, आप मैसेज कर देना, आई लेट यू नो दैट, कोई भी आंसर चाहिए आपको इसमें मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट में चलिए, क्या आएगा नेक्स्ट में, विद योर हेल्प आई कुड टाइट डैश माई डिफिकल्टीज, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, देखना ध्यान से सुनना जो टीचर बताए, टाइड, टाइड के बाद जब भी आपको डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्टी माने मुश्किलों, मुश्किलों, और मैं सका, मैं सका मेरी मुश्किलों, मैं सका मेरी मुश्किलों तेरी मदद से, तेरी मदद से, तेरी मदद से मैं मेरी मुश्किलों, तो यहां टाइड का मतलब हो गया काबू पाना, नियंत्रित करना, काबू पाना, है ना? तो ऐसे में क्या आ जाएगा, आप जब भी किसी चीज को जीत लेंगे तो आपको ओवर आएगा, टाइड ओवर, ओवर है ये रहा टाइड ओवर, किसी चीज को जीतना या काबू पाने को ओवर प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं, तो टाइड ओवर का मतलब होता है काबू पाना या नियंत्रित कर लेना, मुसीबतों को नियंत्रण में कर लिया, नियंत्रण में कर लिया, एम आई राइट? आजकल नेपाल भारत पे गोली चला रहा है, बीके नागराज, कर्नाटक स्टेट सिलेबस सेम पैटर्न बेटा, बिकॉज आजकल नेपाल भारत पे गोली चला रहा है, लेकिन भारत को पता है ऐसी छोटी छोटी हरकतों को कैसे टाइड ओवर किया जाता है, एम आई राइट? तो सही जवाब हो गया कि आपका टाइड ओवर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन, सर आई एम न्यू हियर, क्लास की टाइम क्या है, क्लास की टाइम सैटरडे संडे है मेरी, ओवर बिल्कुल सही है राजवीर सिंह आपका, बिल्कुल सही है, कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन, बातचीत जारी थी, कैरिड ऑन का मतलब जारी थी, और कन्वर्सेशन माने बातचीत, बातचीत जारी थी, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, औरतें लड़कियां जैसे बात करती है ना ग्रुप में, तो बातचीत जारी थी फुसफुसाहट, तो आपके सिर्फ एक ही आएगा, देखो हिंदी में, उनकी बातचीत फुसफुसाहट में जारी थी, उनकी बातचीत फुसफुसाहट में जारी थी, और देखिए कितना शानदार आंसर निकल गया है, एक ही आंसर आएगा, इन विस्पर्स, इन विस्पर्स, यानी कि ऐसे बातें नहीं, मैंने कहा था तुझसे, उसने मुझसे कहा, बताया तेरे को क्या बोला, ऐसे बोलते रहे, ये लड़के होते हैं ऐसे कमीने साहब, सबके सब बदमाश के लिए ऐसे, ये जो मैं कह रहा हूं ये था फुसफुसाहट में, इनवर्सेशन, तो बातचीत भी जारी थी, और किस टाइप से, इन विस्पर्स, बाई नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, वीक में पूरी क्लास नहीं होती है श्वेता मेरी, चलिए आप लोगों ने सवाल किया तो मैं आपको बता दूं फिर से, मेरी क्लास इस चैनल पे सिर्फ सैटरडे और संडे होती है, मेरी क्लास इस चैनल पे सिर्फ सैटरडे संडे होती है 12 PM पे, बाकी मैं एसएससी वालों को, ध्यान से सुनोगे तो मैं सब सिखा दूंगा, एसएससी वालों को मैं कहां पढ़ा रहा हूं आपको पता है, एसएससी की पूरी क्लासेस हो रही है अनअकैडमी पे, एसएससी वालों को मैं अनअकैडमी पे रेगुलर टीचिंग करवा रहा हूं, आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे जाना है और अनअकैडमी पे एसएससी सर्च करना है, और एसएससी के अंदर आपको सर्च करना है स्पेशल क्लासेस, और एसएससी में स्पेशल क्लासेस सर्च करनी है आपको, और स्पेशल क्लासेस के अंदर आपको सर्च करना है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश
ग्रामर, वहां मेरी फोटो मिलेगी आपको, ये वाली फोटो लगी हुई है वहां पर, वहां पर आप टाइप कर लें, सर्च कर लें सुनील कुमार, सुनील कुमार, और डॉट ये है सुनील रुलानिया, एस यू एन आई एल सुनील आर यू एल ए एन आई वाई ए, ये मेरा है। वहां मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही है और वहां मैं टीचिंग भी करवाता हूं, प्रैक्टिस भी करवाता हूं, रूल्स भी बताता हूं और एबीसीडी के ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सिखाता हूं। तो वहां मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाता हूं, ओके? तो उस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहां मुझे आप सर्च कर लेंगे। बाय बाय, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन। ये आगे आपका, अब आपको idioms करना है, fill in the blanks तो आपके पूरे हो गए, am I right? अब आपको क्या करना है, अब आपको idioms करने हैं। क्या करने हैं? idioms। चलिए idioms की बात करते हैं। idioms में क्या होगा? To bite one's lips, इसमें कहते हैं कि अपने होठ कुतरना। इसकी हिंदी क्या होती है? अपने होठ चबाना, होठ चबाना। आदमी अपने होठ कब चबाता है? Am I right? होठ कब चबाएगा आदमी अपने, बताइए आप। वेरी सिंपल, आदमी अपने होठ तब चबाएगा ना जब उसको बोलने को कुछ बचा ही नहीं है, और इसका मतलब है टू रिमेन साइलेंट, और टू रिमेन साइलेंट में यही जवाब क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट, एग्जैक्टली। यस सर, मैंने डेली एसएससी क्लास अटेंड करता हूं आपकी अनअकैडमी पे। कपिल, तुमने तो, हाँ कपिल गोयल, आई नो दैट तुम आते हो रेगुलर, और बहुत जल्दी सिलेक्शन भी होगा। जो रेगुलर आएंगे क्लासरूम पे उनका बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। बहुत शानदार पढ़ाते हो सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, है ना, कि अच्छा पढ़ा दूं आपको और आपके दिल के मुताबिक पढ़ा दूं, ठीक है ना? इसका आंसर क्या होगा? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आगे चलेंगे, क्या होगा इसमें, ये आपको मैं फिर से बता दूं। होठ चबाने का मतलब आपने अपने होठ सिल लिए हैं, और होठ सिल लिए हैं इसका मतलब आपने दोनों होठ अपने एक दूसरे से मिला लिए हैं चबाने के लिए, तो इसका मतलब आप क्या हो गए हैं? ऑटोमेटिकली टू रिमेन साइलेंट, आप साइलेंट हो गए, क्या दिक्कत आ गई, ठीक है ना? टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये बताइए किसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी गर्म कभी ठंडा, सरेंडर होगा किसका? टू ब्लॉक हॉट एंड कोल्ड, कभी ठंडा तो कभी गर्म, कभी मिर्ची तो कभी पानी, कभी आग तो कभी बर्फ। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग बहुत ही अस्थिर दिमाग वाले होते हैं, अस्थिर दिमाग वाले लोग, सुन रहे हैं आप, अस्थिर दिमाग वाले लोग कौन? जो कभी ठंडा और कभी गर्म, कभी खुशी कभी गम, कभी ठंडा कभी गम, है ना, गर्म कभी, है ना, कभी गीला कभी नम, इस तरह के लोग कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। थैंक यू रोशन देवागन, थैंक यू। Unacademy SSC पे आ जाओ, you will love the classes, I tell you, you will seriously fall in love with the lecture, you know, and the kind of examples and test series that I bring and teach you over Unacademy platform, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। तो जो ऐसे लोग जो कि कभी ठंडा कभी गर्म अस्थिर दिमाग वाले होते हैं, ये लोग क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब स्थिर, स्थिर चित्त वाला, और इनकंसिस्टेंट इसका विलोम बन गया तो क्या बन गया? ये अस्थिर। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? सही जवाब हो गया आपका डी फॉर डेली। आ गया होगा समझ में आपको दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सारी कमरा टू बी इनकंसिस्टेंट, है ना? भव्य राज सिंह गोयल, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र। नेक्स्ट चलेंगे टॉल ऑर्डर, ये भी मुहावरा है, idioms है, आपको इस idiom को कन्वर्ट करना है किस में? थैंक यू अनअकैडमी पे, ओके। अनअकैडमी पे टीचिंग अलग तरीके की होती है, वहां की टीचिंग अलग होती है, यहां की टीचिंग अलग होती है, एम आई राइट? ठीक है ना? यहां वो भी बच्चे आ जाते हैं जिनका एसएससी से कोई लेना देना नहीं है, जिनको इंग्लिश नहीं पढ़नी है, आया लाइक शेयर किया, डिसलाइक किया, चले गए, कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर ऐसे भी बहुत से लोग रहते हैं जिनको इंग्लिश नहीं पढ़नी है, लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं और लाइक डिसलाइक कमेंट करके अपना भाग लेते हैं। कुछ तो लड़कियों के चक्कर में भी आ जाते हैं, भाई गर्ल्स आती है, चलो उनमें चैट करके देखते हैं, दो चार हाय हेलो करते हैं, वो टीचर का तो कुछ नहीं सुनते बल्कि लड़की को मैसेज कर देते हैं चैट में ही, हाय परी कैसे हो, परी आप कहां से हो, परी आप किसकी तैयारी कर रहे हो, परी आपका एफबी अकाउंट क्या है, वो परी जवाब ही नहीं देती, बेचारे शर्मिंदा होकर बदनाम होकर रुसवा होकर महफिल से चुपचाप निकल पड़ते हैं। तो ऐसे लोग भी यहां आते हैं यूट्यूब पे, लेकिन अनअकैडमी पे ऐसे लोग नहीं आते हैं। टॉल ऑर्डर का मतलब है बेहद मुश्किल काम, जब टॉल ऑर्डर होता है इसका मतलब है बेहद मुश्किल, बेहद मुश्किल कोई चीज,
देखिए ऑर्डर, और वो भी टॉल, बहुत लंबा ऑर्डर, तो टॉल ऊंचाई का प्रतीक है, और टॉल जब ऊंचाई का प्रतीक है, ऊंचाई का प्रतीक है, तो ऊंचाई आपको पता ही है, आम के पेड़ से आम तोड़ना या जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ना कितना आसान है, am I right? लेकिन खजूर के पेड़ से या नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ना बहुत ही टॉल ऑर्डर है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, नारियल के पेड़ से या खजूर के पेड़ से फल तोड़ना बहुत ही बड़ा टॉल ऑर्डर है, इसका मतलब बहुत मुश्किल काम है। और कंबरसम का मतलब क्या होता है हिंदी में, जिसको वोकेबलरी आती है, मैं वोकेबलरी भी पढ़ाता हूं SSC की अनअकैडमी पे, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल काम, इसलिए सही जवाब क्या हो गया, डी फॉर दिल्ली। क्लियर? क्या जवाब होगा डी फॉर दिल्ली? अपने दोस्तों में इवेंट को शेयर जरूर करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टू गिव करेंसी, ये वाला भी करवा चुका हूं मैं लेकिन अनअकैडमी पे नहीं करवाया मैंने, ये वाला मैंने अनअकैडमी पे नहीं करवाया। टू गिव करेंसी, किसी को करेंसी देने का मतलब जानते हो आप, किसी को करेंसी का मतलब है उसको बेवजह, बेवजह किसी को लोकप्रिय बना देना, बेवजह लोकप्रिय बना देना, लोकप्रिय बना देना। अब देखिए मैंने हिंदी में एक वर्ड लिख दिया लोकप्रिय बना देना बेवजह किसी को, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू मेक समवन पॉपुलर, और सही जवाब क्या हो गया इसका, डी फॉर दुर्गा, एम आई राइट? थैंक यू वेरी मच, ये बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है, आई अप्रिशिएट, थैंक यू, सही है आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे चले नेक्स्ट में, नेक्स्ट में क्या होगा, चलन में होना। अब इसमें एरर फाइंडिंग करनी है आपको, ओके, इसमें आप एरर फाइंडिंग कीजिए प्लीज। क्या एरर फाइंडिंग करेंगे इसमें, एरर फाइंडिंग करनी है आपको, ठीक है, एरर बताइए इसमें क्या एरर है। एरर, ओके, गुड आफ्टरनून, लाइक कर देना दोस्तों, जो लोग भी आप में से देख रहे हो लगातार इवेंट को, प्लीज लाइक जरूर करना इवेंट को, है ना, इवेंट को लाइक कर देना। थैंक्स गॉड यू एंड योर फैमिली असेप, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित हो बम धमाकों में। तो देखो क्या होता है, थैंक्स प्लूरल है, ये प्लूरल है, और यहां पर ये नाउन है, क्योंकि प्लूरल थैंक्स हमेशा नाउन बनाता है, जबकि ये वर्ब होनी चाहिए थैंक गॉड, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब होनी चाहिए, और जब शुरू में कमांड वर्ब बनेगी तो एस नहीं आएगा, सही जवाब है थैंक गॉड, है ना। ये कब आता है एस, जब पीछे डिटरमिनर होता है मैनी थैंक्स, मैनी थैंक्स, और ये थैंक्स एस तब आएगा जब आगे कम से कम टू आएगा, अगर आगे टू नहीं है, आगे टू नहीं है तो नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये कर लेना है कि 11th में किस पार्ट में एरर बता देनी है, 11th के ए पार्ट में एरर बता देनी है, am I right guys? अगर अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट करना, ठीक है ना। थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए आप एस नहीं लगा सकते। अगर आपने पीछे सब्जेक्ट ले लिया आई थैंक गॉड, तब भी वही बात है, और आई को हटा दो मान लो तो भी वही बात है, थैंक गॉड, एम आई राइट? तो ये थैंक गॉड अकेला आएगा, इसके साथ में कभी भी एस का प्रयोग नहीं करोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कैन वी राइट थैंक्स टू गॉड, यहां लिख सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, मैं बिल्कुल सही कह सकते हैं, आप देखना चाहते हो, देखो मैं आपको लगा रहा हूं, अगर मुझसे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है मैं उसको कभी मना नहीं करता। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा अनुपलब चैटर्जी ने, अनुपलब चैटर्जी का कहना है कि सर क्या हम लिख सकते हैं कि थैंक्स टू गॉड, यस बिल्कुल कर सकते हैं। शीतल नाम की एक बच्ची है, उसके पति की कोरोना से मौत होने वाली थी, उसके पति को वक्त पे इलाज मिला, शीतल का पति बच गया, तो शीतल ऑफर्ड, तो शीतल ने ऑफर किया अपना धन्यवाद, अपना शुक्रिया, शीतल ऑफर्ड हर थैंक्स टू गॉड, शीतल ने ईश्वर को अपना धन्यवाद व्यक्त किया, तो शीतल ऑफर्ड हर थैंक्स टू गॉड। तो हर क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर ये क्या हो गया, नाउन हो गया प्लूरल, क्योंकि पॉजिटिव के बाद हमेशा नाउन आता है, और ये प्रीपोजिशन के बाद में गॉड हो गया। आई होप अगर आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन को समझाने का एक तरीका होता है ना, हर एक के बस में ये चीज हो नहीं सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आइए, द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू केयरफुली गेट डाउन ऑफ द ट्रेन,
राइट क्या होगा इसका? कैसे डरा दिए सारी कौम राम? क्या हो गया? अच्छा शीतल का केस में कोरोना से नहीं, मैंने कहा ना कि वो उसका पति ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, ईश्वर का धन्यवाद है। द पैसेंजर आस्क्ड टू केयरफुली, देखो डाउन और ऑफ एक वाक्य में कभी नहीं आएंगे, एक वाक्य में कभी भी नहीं आएंगे डाउन और ऑफ। आपको चाहे इंग्लिश आए चाहे मत आए, मेरे साथ में आप ऐसे ही सुपर बन जाओगे। जो बोल दिया फाइनल है। अगर ज्यादा डीपली समझना है तो समझाऊंगा। नहीं नहीं एरर है सारी का उमराव, एरर है अक्षिता, इसमें एरर आपकी सही है, अक्षिता का सही है, श्वेता का सही है, प्रियंका आपका गलत है, बाबुल अमीन गलत है, नहीं बाबुल का वैसे आंसर सही है, अमीन का, जेपी सही है, दीपशिखा साक्य अनुपलब ठीक है। देखिए डाउन और ऑफ एक साथ कभी नहीं आएंगे प्रीपोजिशनल एलिमेंट में खास करके। तो अगर ट्रेन है तो ट्रेन है तो ट्रेन से गेट ऑफ होता है, एम आई राइट? है ना, ऊंट घोड़े से इनसे क्या होता है, गेट डाउन हो सकते हो आप, लेकिन ट्रेन बस से आप गेट ऑफ ही होते हो, और डाउन ऑफ एक साथ नहीं आएंगे, एम आई राइट? इसलिए ये जवाब गलत है। सी पार्ट में क्या है दोस्तों, इसके एरर है, नहीं वो बच गया सारी, शीतल का पति जो है वो बच गया कोरोना में। इस क्वेश्चन को जो कर देगा वो एसएससी का बॉस है, इस क्वेश्चन को जो कर देगा वो एसएससी का डॉन है, डॉन मैं कह रहा हूं एसएससी का डॉन है। इस क्वेश्चन को करके दिखा दो आप, मैं दो मिनट रुक सकता हूं आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को करके दिखा दो। दो मिनट के लिए रेस्ट लेता हूं, इस क्वेश्चन को करके दिखा दो आप। मैं जानता हूं ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, और जिसने इस क्वेश्चन को कर दिया वो डॉन हो गया, डॉन। क्या होगा कपिल, स्मृति, पंकज, दुर्गा, सारिका, बताओ फटाफट सारे के सारे। दोस्तों शेयर कर देना। सही है, 13th में लगभग लोगों का गलत है, एक बच्चे का सही जवाब आया अभी तक, अनिल कुमार का। चलिए खत्म कीजिए, मैं बताता हूं अनिल का जवाब सही है। चलिए दोस्तों इसको बहुत ट्रिक से सही, देखिए आइदर है, आइदर है, आइदर के साथ और 100% आएगा, आइदर के साथ और 100% आएगा। कब? जब एक नाम, एक नाउन आ जाए कोई, या एक प्रोनाउन आ जाए। लेकिन आइदर के बाद अगर ऑफ है, आइदर के बाद अगर ऑफ है तो गारंटी है कि और नहीं आएगा, गारंटी है कि ऑफ नहीं आएगा। लेकिन सवाल यह है कि आइदर ऑफ तो एक, अगर और नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आइदर ऑफ जरूर आएगा। और आइदर ऑफ आएगा तो आपको एक चीज का मैं आपको नियम बता दूं कि आइदर ऑफ के बाद में आगे नाउन या प्रोनाउन क्या होने चाहिए, आइदर ऑफ के बाद आगे नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होने चाहिए। जैसे नीचे देखना, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज, है ना, रेडी। तो ये स्टूडेंट्स प्लूरल में होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, नाउन प्लूरल होगा, आइदर ऑफ खुद सिंगुलर होगा, खुद सिंगुलर होगा तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्लूरल करेंगे तो परमीत में तो परमीत्स कर नहीं सकते, और ज्योति में ज्योतिस कर नहीं सकते, इनको बहुवचन बना नहीं सकते। अब इनको अगर बहुवचन नहीं बनाएंगे तो अपन एक काम करेंगे, इस नाउन को प्लूरल करने के लिए परमीत और ज्योति को अपन क्या करेंगे, परमीत और ज्योति को अपन किस में जोड़ देंगे, एंड से जोड़ देंगे। और एंड से जोड़ते क्या होगा, परमीत और ज्योति मिलकर के दो प्लूरल बना देंगे अपना अपना मिलाकर के। बिल्कुल एसएससी का हीरो, थैंक यू अनिल, तुम्हारा अकेले का राइट था और किसी का राइट नहीं था ये। तो और बना दो, एंड लगा दो, आइदर ऑफ परमीत एंड ज्योति, और ये वर्ब सिंगुलर रहेगी तो ये बिल्कुल सही है, डन थर्ड फॉर्म में बिल्कुल सही है। आइदर ऑफ के बाद और आ नहीं सकता इसलिए काट दिया, एंड लगा दिया, परमीत ज्योति प्लूरल हो गए ऑफ के बाद में। सही जवाब है इसके बी पार्ट में। क्या हो गई दोस्तों, दोस्तों इसके बी पार्ट में एरर हो गई। विश्वजीत हंसलकर, मैंने बैंक बहुत पढ़ाई है लेकिन मेरी अभी बैंक में वाईफाई स्टडी पे क्लास नहीं है, क्योंकि मेरे पास डिफेंस की क्लास है और एसएससी की क्लास है। द पेंटर क्लाइंड, क्या होगा इसका आंसर, द पेंटर क्लाइंड द लेडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। थैंक यू वेरी मच, जुड़ जाइए
सबके सब जुड़ जाइए दोस्तों, इवेंट को शेयर जरूर करना, एक एक बच्चे तीन चार शेयर तो करो कम से कम यार, है ना, शेयर कर दो प्लीज, ताकि अगले सैटरडे संडे को फिर से आ सकूं। अगर व्यूज नहीं बने, आपने शेयर नहीं किया, तो फिर तो मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे क्लास नहीं मिलेगी, है ना। व्यूज नहीं बनेंगे तो क्लास नहीं मिलेगी, क्लास नहीं मिलेगी तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा, मैं तो किसी और चैनल पे पढ़ा लूंगा, ठीक है ना। द पेंटर क्लाइंब्ड अप, द पेंटर क्लाइंब्ड अप द लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग, क्लाइंब्ड अप आएगा दोस्तों। अप क्यों आएगा मैं आपको सिखाता हूं, जरा ध्यान से सुनना क्यों आएगा। बिल्डिंग कैसी है, ऊंची है, ऊंची बिल्डिंग का मतलब जानते हो, ऊंची बिल्डिंग का मतलब है ऊंचाई, और ये है लेडर, लेडर का मतलब होता है लकड़ी की या स्टील की जो सीढ़ी होती है, तो ये लेडर है, तो इसमें पेंटर ऐसे चढ़ेगा, ऐसे चढ़ेगा, एम आई राइट, ऐसे ऊंचाई हासिल करेगा, और ऐसे ऊंचाई हासिल करके और यहां पर ये खड़ा खड़ा ये पेंटिंग करता रहेगा दीवार को, एम आई राइट, दीवार को। तो ऐसे में ये जो ऊपर जा रहा है ना वर्टिकल, एकदम सीधा बना रहा है। वर्टिकल क्लाइंबिंग के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है, अप का प्रयोग होता है। समझ में आया हो तो थैंक्स बोलना, डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया है, है ना। मारवर्ड निशा सुकुमारन, थैंक यू वेरी मच। पंकज कुमार थैंक यू। वसीम अकरम थैंक यू। शुभेंदु थैंक यू वेरी मच। ए बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका 100% ओके है, नो इश्यूज, ए आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलेंगे। आई वॉज इंडीड, इट वॉज इंडीड अनरीजनेबल, इट वॉज इंडीड अनरीजनेबल डैश हिम टू रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब, इस जॉब से रिजाइन करना उसके लिए बहुत ही अनुचित था, ये उसका बहुत ही अनुचित कार्य था कि उसने ये रिजाइन कर दिया। इससे क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन में बताइए आप। थैंक यू स्मृति, थैंक यू नीलू शेखावत, शेखावत थैंक यू वेरी मच। कमल गोस्वामी थैंक्स। रोहल विकास समझ में आ गया, तुरंत बताना। देखो जब भी आप बी वर्ब लोगे ना, जब भी बी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएगा, कौन सा, बी एल ई ओ यू एस आई वी ई, है ना, इस तरह के, तो आपको एक ही प्रिपोजिशन लेना चाहिए, इट वॉज सो अनरीजनेबल ऑफ हिम, इट वॉज सो अनरीजनेबल ऑफ हिम। और सही जवाब आपका सी फॉर चंडीगढ़, सी फॉर चंडीगढ़, एम आई राइट। मैं कैसे बताऊं आपको, देखो आई एम, एम आ गया, एम आ गया, कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है, यहां क्या था वॉच, कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है। आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड, प्राउड क्या है, प्राइड, प्राइड नाउन है, प्राउड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डैश यू, ये लो ऑफ लगा दो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एम आई राइट। तो ऐसे में ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ये हमेशा एक रूल होता है। अच्छा ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा सा इसको अपन चाहे तो चेंज कर सकते थे कलर को, मुझे वैसे थोड़ा दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। टर्मिनल का मतलब सेमिनल, राइट, इस क्वेश्चन को देख के बताइएगा आपको विजिबिलिटी है क्या थोड़ी बहुत। थोड़ा सा वाइट हो गया है फॉन्ट, इसको मैं अब तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये पीपीटी लगी हुई ऑलरेडी और लाइव चालू है, लाइव टेलीकास्ट चालू है, तो लाइव ब्रॉडकास्ट में, टेलीकास्ट में क्या होता है, बीच में आप इंटरफेयर कर नहीं सकते क्योंकि इमेज बंद हो जाएगी। चलिए बताइए टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल का मतलब बैटरी का टर्मिनल नहीं, या एग्जाम वाले टर्मिनल नहीं कि मेरे टर्मिनल चालू हो गए, मेरे टर्मिनल चालू हो गए हैं, है ना, 7 दिन चलेंगे, या मेरी कार का बैटरी का टर्मिनल टूट गया, तो टर्मिनल बैटरी का एक वो भी होता है जो बैटरी को जोड़ता है, टर्मिनल 3 महीने से होने वाले एग्जाम भी होते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एम आई राइट। एक टर्मिनल का मतलब होता है जानलेवा, आपको नहीं पता है मैं आज सिखा देता हूं, एक टर्मिनल का और अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जानलेवा, प्राणों का अंत करने वाला, प्राणांत, प्राणांतिक, जो प्राणों का अंत कर लेते हैं, प्राणांत। सर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बेटा, सिनोनिम, 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 मैंने बोला था ना कुछ सिनोनिम, सबके सिनोनिम बताने हैं आपको, टर्मिनल का सिनोनिम बताना है बेटा। सिनोनिम होगा फैटल, फैटल मतलब जानलेवा, फैटल का मतलब प्राणघातक, फैटल का मतलब प्राणघातक। अब देखिए मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, एड्स क्या है, एड्स एक क्या है, एड्स एक टर्मिनल डिजीज है, एड्स एक टर्मिनल डिजीज है। अब आप समझ में आ गया होगा, समझ में कि एड्स एक टर्मिनल डिजीज है का मतलब जानते हो, आज नहीं तो कल देर सवेर आपकी एड्स के कारण किसी भी पेशेंट की, जिसने जिसको एड्स है, ये जानलेवा बीमारी है। टर्मिनल डिजीज का मतलब एड्स क्या है, प्राणघातक बीमारी है, अर्थात एड्स क्या है, जानलेवा है। तो एड्स एक टर्मिनल डिजीज है का मतलब एड्स एक क्या है, फैटल डिजीज है।
है ना, ठीक है ना, एड्स एक फैटल डिजीज है। आ गया होगा समझ में, सबको समझ में आ गया? तो ये तो बाकी तो बनेंगे नहीं। बोल्ड माने साहसी, क्रूअल माने निर्दयी, और सेमिनल है ना, सेमिनल ये आपको पता है किससे बना हुआ है? ये बायोलॉजी का वर्ड है, मैं नहीं बताना चाहता, आप बायोलॉजी में समझ लीजिएगा। इंसान के लिए जब जन्म होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, तो उसमें जो फ्लूड होता है उस फ्लूड का एडजेक्टिव है सीमन का, सेमिनल फ्लूड, ये एडजेक्टिव बना है। इसलिए इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, साइंस वाले टीचर से पूछना, मुझे तो आता है लेकिन मैं चैनल पे डायरेक्टली बताना नहीं चाहता। चलिए जाने दीजिए आप, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो आगे चलेंगे, रिपग्नेंस। रिपग्नेंस किससे जुड़ी है? ये आप इसका सिनोनिम बताना है, सबका सिनोनिम बताना है आपको, सिमिलर, सिमिलर है ना, सिमिलर वर्ड बताना है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रिपग्नेंस किससे जुड़ी है? नफरत से या घृणा से, एम आई राइट? नफरत या घृणा से जुड़ा हुआ वर्ड है रिपग्नेंस। वसीम खान मुझे आपसे बात करनी है, वसीम अकरम, ठीक है वसीम अकरम, एक पाक मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान जो होता है ना वो खुदा से डरता है, ठीक है वसीम, अगर नमाजी हो, पांच वक्त की नमाज पाबंद होकर पढ़ते हो और अगर खुदा से डरते हो, तो वसीम अकरम तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। 10 बार तुमने एक ही मैसेज बार बार टाइप कर दिया, 10 बार तुमने एक ही मैसेज बार बार टाइप कर दिया है, राइट? अगर कोई मुसलमान जिसका ईमान हर हाल में मुसलसल है वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान जो है वो खुदा से खौफ खाता है। तुम समझ गए वसीम अकरम? अगर जरा से भी तुम में इंसानियत है, गैरत है, तो उस खुदा के सजदे में जाओ, अपने गुनाह की माफी मांगो, समझ गए? दोबारा इस तरह से मत करना मेरे चैनल पे, ठीक है? मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं तुम्हें दिल से बता देता हूं वसीम अकरम, क्योंकि जो मेरे संस्कार हैं वो मुझे इस चीज की इजाजत देते हैं कि मैं उसको, जिसे लोग रसूल कहते हैं, लोग खुदा कहते हैं, अगर उसकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो वो कोई भी हो, वो मेरा दुश्मन है। अपने मजहब का, अपने खुदा का खौफ खाओ। और सुनील सर उनमें से हैं जो बिल्कुल साफ कहते हैं, क्योंकि जिगर में फौलाद है मेरे, मैं उनमें से नहीं जो मुंह में कुछ है, जबान पे कुछ है और जो डर जाए किसी खौफ से। हम किसी चीज से नहीं रहते, क्योंकि सारी कायनात उसकी है, जिस दिन वो चाहेगा उस दिन फैसला होगा, तुम्हारे हमारे करने से कुछ नहीं होगा। अगर अपने आप को कहते हो कि नहीं नमाज पढ़ते हो, मत करो वसीम, तुम्हें खुदा का वास्ता यार, तुम्हें खुदा का वास्ता यार, उसकी कायनात बहुत बड़ी है, उसकी कायनात को हल्के में मत लो बेटा। और कुछ नहीं कहूंगा मैं तुमसे, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है, सिर्फ मैंने तुम्हें उसका खौफ दिलाया है कि उससे डरो, और मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें। देखो अदब कायदे से बिल्कुल, इल्म, इबादत और ईमान तीनों को हर हाल में कायम रख करके मैंने तुम्हें समझाया है, मत करो बेटा ऐसे। चलिए दोस्तों, चलिए, वसीम मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं, बच्चा अपना वसीम कर दिया, कोई बात नहीं। रिपग्नेंस माने नफरत या घृणा, तो नफरत या घृणा का एक ही वर्ड है एवर्सन। एवर्सन को क्या कहते हैं? डीप से दिल्ली, क्या करेंगे? एवर्सन का मतलब डी से दिल्ली। एमी थैंक यू वेरी मच, नहीं माफी की कोई बात नहीं बेटा, तू भी बच्चा अपना वसीम, माफी की कोई बात नहीं यार, छोड़ना, होता रहता है चैनल पे, सब चीजें कॉमन है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़े करना, रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रतिनिधित्व करना, एब्जॉर्प्शन का मतलब है सोख लेना, पानी नुमा जैसी चीजों को, जैसे कि कोई वाइपर है वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें क्या लगा होता है, स्पॉन्ज लगा होता है। तो बाकी क्या बचा आपका? एक ही जवाब बचा, एवर्सन। थैंक यू वेरी मच सर, एग्जाम्पल समझाना। रोहित समझा तो दिया बेटा एग्जाम्पल। नवाज शाह थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बिल्कुल अच्छा हूं, बिल्कुल अच्छा हूं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, रोहित एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं, रोहित बोलो किसका एग्जाम्पल दीजिए। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? कंड्यूसिव का मतलब होता है आपके अनुकूल, अनुकूल कोई चीज आपके फायदे की है, फायदेमंद है ना। कहते हैं कि आजकल बाहर घूमने के लिए मौसम कंड्यूसिव नहीं है, सुनना मेरी बात को, एग्जाम्पल मांगते थे ना रोहित, आजकल बाहर घूमने फिरने के लिए मौसम कंड्यूसिव नहीं है, लड़कियों को आजकल गोलगप्पे खाने के लिए माहौल कंड्यूसिव नहीं है। इसका मतलब आज का माहौल जो है, मुल्क का माहौल बहुत खराब है, और ऐसे में देश के अंदर बहुत जबरदस्त तकलीफें फैल रही है, तो इसका मतलब है माहौल फेवरेबल नहीं है। कंड्यूसिव का मतलब फेवरेबल, जो आपके अनुकूल होता है। और सही जवाब है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, देसी रिकॉर्ड्स, डैश रिकॉर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, माहौल अनुकूल नहीं है, इसका मतलब फेवरेबल नहीं है। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अब अपन चाहे तो, ध्यान से सुनना प्लीज, थैंक यू वेरी मच रैंडम बडी, दिल से पढ़ा रहा हूं, बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं। डैमेजिंग माने नुकसानदायक, पेंसिव माने शोक में डूबा हुआ, चिंता में डूबा हुआ,
और फेवरेबल, और एपेथेटिक जो है वो सिंपैथेटिक स्टेट है जिसके मन में सुख या दुख किसी चीज का असर नहीं होता, सुख दुख से बेअसर, और ये पेंसिव माने शोक में डूबा हुआ, गम में डूबा हुआ, चिंता में डूबा हुआ, फिकर या सोच में डूबा हुआ, और डैमेजिंग का मतलब खतरनाक। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। दिल्ली में जो कांड हुआ था, ध्यान से सुनना, दिल्ली निर्भया कांड के बाद, दिल्ली निर्भया कांड के बाद में जो देश के हालात हुए, लड़कियों के लिए रात 12 बजे घूमना कंड्यूसिव नहीं था, यानी कि लड़कियों के लिए रात 12 बजे घूमना फेवरेबल नहीं रहना। थैंक यू रतन। रतन मैं तो मोटिवेट करता ही रहता हूं बच्चों को, बच्चे समझे चीजों को कैसे, वो तो मैं बता सकता हूं आपको, है ना। सीटेट पेपर में, यूपी टेट पेपर में दिव्यांशी अग्रवाल, इस तरह के क्वेश्चन आईएएस में आते हैं, यूपीएससी में आते हैं, सीसेट में आते हैं, टेट में आते हैं, सीटेट में, एसटेट में, यूपी टेट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच काजल, लगातार चैनल से जुड़ते रहे। एसएससी की मेरी क्लास है आज अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पे मेरी क्लास है, आप मुझे सर्च कर लेना, किसमें, अनअकैडमी एसएससी स्पेशल क्लासेस में, अनअकैडमी पे आप जाएंगे, एसएससी और स्पेशल क्लासेस टाइप करेंगे, स्पेशल क्लासेस में आपको इंग्लिश ग्रामर में मैं मिल जाऊंगा, स्पेशल क्लासेस में आप इंग्लिश ग्रामर सर्च करेंगे, इंग्लिश ग्रामर पे मैं आपको मिल जाऊंगा, आज मैं लिंक भी डाल दूंगा, इसमें लिंक कॉपी कर लेना। थैंक यू वेरी मच। सेंग्विन का मतलब क्या होता है? सेंग्विन का मतलब होता है आशावादी, आशावादी, एम आई राइट? आशावादी कौन होता है? जो जिसमें विश्वास होता है, जिसमें विश्वास होता है, आशावादी में ही तो विश्वास होगा कि मैं कर गुजरूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर गुजरूंगा, मुझे पूरी आशा है कि मैं कर गुजरूंगा। तो आशा या विश्वास अगर दोनों है तो आपका फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर आपका एक ही वर्ड बचा, कॉन्फिडेंट। क्वारलसम माने झगड़ालू, आर्टिकुलेट माने क्लियर करना चीजों को, टॉकेटिव माने बातचीत ज्यादा करने वाला, और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? आशावादी। और ये इसका सही जवाब हो गया सी फॉर, सी फॉर चंडीगढ़। थैंक यू वेरी मच डैश वन रिकॉर्ड्स, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम हरियाणा, थैंक यू वेरी मच। डीआरडीओ, डीआरडीओ में टीयर टू में आएगी आरजू गुप्ता, डीआरडीओ में टीयर वन में इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सेंग्विन का एक और मतलब होता है ब्लड जैसा लाल, सेंग्विन का एक और मतलब होता है ब्लड जैसा सुर्ख लाल। सेंग्विन एक कलर भी होता है दोस्तों, याद रखना, कभी गलती मत करना, सुनील सर को सब आता है, आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ब्लड जैसा सुर्ख लाल। वसीम कहां गए बच्चा, तुम हो कि नहीं चैनल पे? ठीक है वसीम, ठीक है, सुनील सर ने कह दिया, क्या है घर पे मम्मी पापा नहीं कहते क्या? कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से टीचर पे नाराज होकर के चले जाना सॉल्यूशन नहीं है, है ना। एक मोटिवेशनल वीडियो अलग बना दूंगा रतन विश्वकर्मा, चलो ये वाली तो शायरी देख लो जो मैंने बताई थी आपको, सही, वो भी तो शायरी बहुत अच्छी है, क्या हौसलों के तीर तरकस में, है ना, संभाल के रख, हार कर फिर जीतेंगे, ये जीत जिंदा रख, एम आई राइट? थैंक यू वेरी मच, ये जीत जिंदा रख। तो सेंग्विन सुर्ख जैसा लाल होता है। ब्लड रेड कलर जो होता है उसको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंग्विन कहते हैं। सेंग्विन एक कलर का भी नाम है। CHSL का एग्जाम जिनका होने वाला अगस्त में, वो इस तैयारी को करें। अनअकैडमी पे चले आज शाम को, अनअकैडमी पे शाम को 6 बजे क्लास है, 6 PM अनअकैडमी पे, 6 PM पे सुनील कुमार को, SSC में आप इंग्लिश ग्रामर में सर्च कर लेना। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अदला बदली। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बोलिए मेरे साथ? अदला बदली। अदला बदली कब होती है? जब आपकी चॉइस होती है? नहीं, जब आप वैरायटी होती है? नहीं, सिर्फ चेंज। चेंज माने तो सिर्फ बदली, चेंज माने तो सिर्फ बदली होती है, और एक्सचेंज माने क्या होती है? अदला बदली। एक देकर के दूसरा लेना, और चेंज में वही देना और उसके जैसा, जैसा का जैसा सेम टू सेम वही लेना, एम आई राइट? जब आप किसी दुकान में सैंडल देके सैंडल वापस ले रहे हो तब तो वो चेंज करवा ली आपने, सैंडल देके सैंडल ले रहे हो तब तो आपने चेंज करवा ली। लेकिन अगर किसी दुकान में आपने सैंडल लेकर के वापस दे दी और बदले में आपने उस दुकान से क्या ले ली? जुराब ले ली, तो ये एक्सचेंज हो गई, चेंज नहीं हुई, एम आई राइट? प्राचीन काल में क्या होता था कि गेहूं के बदले, जौ के बदले, अनाज के बदले, गेहूं, जौ या कोई बाजरा, इनके बदले में आपको घर के बर्तन मिलते थे, चकला मिलता था, बेलन मिलता था, तवा मिलता था, चिमटा मिलता था। लोहार को आप क्या देते थे? गेहूं देते थे। लोहार बदले में आपको क्या करता था? चकला, बेलन, चिमटा वगैरह, तवा वगैरह बना के दे देता था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में पैसा ज्यादा नहीं था, तो पैसा ज्यादा नहीं था तो वस्तु के बदले, वस्तु की अदला बदली होती थी, जिसका इंग्लिश नाम होता था बार्टर। बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना, वस्तुओं का विनिमय करना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु लेना, ठीक है ना। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं भाई, इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है ना, थैंक यू। तो ये आपका 20th नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, है ना, क्वेश्चन नंबर 20th। ये आपको अच्छा लगा, पीछे चले आइए,
तो आपको फिर से एक नई चीज दिखा देता हूँ, बहुत कुछ पढ़ाया मैंने, आप पूरे वीडियो को देख लेना, लाइक शेयर कर देना, ठीक है ना। और ये नील10 मेरा कोड है, SSC में अगर आपको क्लियर करना है, नील10 कोड लगा करके परचेस कर लीजिए, ज्यादा नहीं 3 महीने का भी ले लीजिए आप, मैं यही नहीं कर आपको 6 महीने 12 महीने का कोर्स लीजिए, आप 3 महीने का कोर्स ले लीजिए, 3 महीने में मैं आपको 12 महीने की तैयारी करवा दूंगा, 12 मंथ्स की ये मेरी गारंटी है। एम आई राइट? इस नील10 कोड लगा करके आप मुझसे कहिएगा कि 72 रूल्स की PDF दीजिए सर, 72 रूल्स की कंप्लीट PDF विद 1500 क्वेश्चंस, तो वो 1500 क्वेश्चंस जो SSC लेवल के है वो मैं आपको इसमें 100% करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच अजीत शर्मा, यदि आपको अच्छा लगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल काजल, अभी भी गांव में नियम है, बार्टर होता है, अभी भी आप गेहूं, बाजरा, जौ, चना देकर के बदले में आप मिर्ची, टमाटर दुकान से ले सकते हो, कुछ गांव में अभी भी ये नियम है, खास करके झारखंड में, बिहार में अभी भी आदिवासी इलाकों में, पश्चिम बंगाल के जो ट्राइबल एरियाज है ना, आदिवासी इलाके, वहां पर आज भी बार्टर इकोनॉमी है, कि लोग जो बेर आते हैं ना, बेर, खट्टे मीठे बेर लोग लेने के लिए अपने घर से 2 मुट्ठी अनाज दे देते हैं और वस्तु के बदले वस्तु मिलती है। तो ये आपके सारे के इवेंट है, इसमें आपको इवनिंग 6 PM आना है। कितनी बजे आना है अनअकैडमी पे? अनअकैडमी पे आपको मुझे इवनिंग 6 PM फॉलो करना है। अच्छा, चैट खत्म हो जाएगी, चैट के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स होगा, जब ये इवेंट मेरा पूरा हो जाएगा 1 बजे, और फिर जब इवेंट खत्म हो जाएगा तो आप इसको लिंक को क्लिक करोगे तो नीचे कमेंट बॉक्स होगा, चैट बॉक्स नहीं, कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको मेरी शाम की क्लास की लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। उस लिंक को आप कॉपी करोगे, लिंक को कॉपी करते ही मैं आपको अवेलेबल हो जाऊंगा वहां पे, ठीक है ना, और मैं वहां आपको अवेलेबल हो जाऊंगा। नहीं नीलू शेखावत, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, मैंने खुद सिविल सर्विस अपीयर किया, वहां मैंने GK VK खूब पढ़ाया, ठीक है ना। और अगर आपको कोई मेरे से चाहिए आपको, तो रेगुलर प्रेजेंट, कल भी मेरी क्लास है, कल मैं स्पेशल इवेंट लेके आऊंगा आपके लिए, नया इवेंट लेके आऊंगा, ग्रामर का इवेंट लेके आऊंगा, और ग्रामर की कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, ठीक है ना। NCERT की फुल डिटेल कैसे मिलेगी? NCERT के लिए इसका क्या लेना देना है? SSC का NCERT से क्या लेना देना है? NCERT तो 11th, 12th, 9th, 11th, 12th की बात है ना, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इवेंट को लाइक करें, और प्लीज लाइक करके जाए, जाने से पहले लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। NCERT की फुल डिटेल साइट पे मिलेगी बेटा, क्रोम पे टाइप करो NCERT साइट और टाइप कर दो NCERT की जो वेबसाइट है, वहां पे आप क्लिक करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इवनिंग 6 o'clock, शाम को 6 बजे मिलते हैं अनअकैडमी पे, आ जाना, यू विल बी हाईली बेनिफिटेड अनअकैडमी की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।